हेलो दोस्तों, स्टडी गाइड एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी साइको और एसएन टेस्ट एसएम और टीए के लिए हम तैयारी कर रहे हैं साइको टेस्ट की। एंड इससे पहले हम चार सेट डिस्कस कर चुके हैं विद्यासागर बुक के, सो टेस्ट रूट टेस्ट के, ठीक है। एंड आज हम पांचवा सेट डिस्कस करेंगे। एंड दोस्तों, क्लासिफिकेशन टेस्ट और ऑड फिगर जिसको बोलते हैं, उसके हम 12 सेट पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसकी वीडियो को आप जरूर देखें, काफ़ी अच्छी वीडियोज़ हैं। एंड उसके बाद एक पेपर और डिस्कस किया हमने 2009 का, चंडीगढ़ जोन का इंटेलिजेंस टेस्ट का, तो उसको भी आप देखिए। चलो फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो वही जो हर बार मैं वीडियो में बोलता हूँ, प्लीज़ वीडियो को पॉज करें, सबसे पहले क्वेश्चन खुद से सॉल्व करें। मैं आपके सिंपल बस आप प्रैक्टिस ही करा रहा हूँ, क्योंकि आप चार सेट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आप सिंपली पॉज करके सभी के आंसर लिख लीजिए एंड फिर लास्ट में मेरे साथ मैच कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जे टू डी जाने के लिए। देखो दोस्तों, सिंपल हम क्या करेंगे जे टू डी जाने के लिए तो मुझे ऊपर ही जाना पड़ेगा। एंड यहाँ मैं जाऊँगा तो देखो गलत हो गया ना, गड़बड़, इसका कॉर्नर मिलेगा हमें, है ना। यहाँ से हम नहीं जा सकते दोस्तों। हाँ, जे टू डी जाने के लिए आप क्या करोगे? अब मैं यहाँ से जाऊँगा, 8 को टच करूँगा और सिंपली यहाँ पे पहुँच जाऊँगा, ठीक है। 8 को मैंने टच कर दिया तो आंसर क्या हो जाएगा? 8, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सोच के करना है थोड़ा, है ना। जल्दबाजी में अगर कर दिया तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कॉर्नर टच हो रहा था। तो मैं ऐसे घूम के चला जाऊँगा, 2 का कॉर्नर लिया, 8 की साइड ली, तो आंसर क्या हो जाएगा? 8, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं ई से ए। ई टू ए जाने के लिए यहाँ से हम आएंगे, नीचे गए, यहाँ पे गए और यहाँ पे 1 को टच किया हमने, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, और ए पे हम पहुँच जाएंगे सिंपली, तो 8, 1। नेक्स्ट है क्यू से वाई जाने के लिए आप क्या करेंगे? आप सिंपल ऐसा सीधा आएंगे एंड 10 की साइड लेंगे और ऊपर जाके ऐसे मुड़ के हम वाई पे पहुंच जाएंगे, वाई पे जाना है, वाई पे, तो आंसर क्या हो जाएगा इसलिए? 10। नेक्स्ट है ई टू एक्स जाने के लिए। देखो सिंपल हम कहाँ गया, ये यहाँ से हम आएंगे, यहाँ पे तो बैरियर्स है, इस तरफ से तो आ नहीं सकते, तो ई से यहाँ से ऐसे सीधा आएंगे, 9 की साइड लेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? 9, ठीक है। एंड इसको थोड़ा दूसरा पेन सेलेक्ट करता हूँ, मिटाने की ज़रूरत नहीं रहेगी फिर। नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट हमारे पास S2Y, ये रहा हमारे पास S नीचे एंड Y रहा ऊपर। S2Y जाने के लिए सिंपली 6 को टच करेंगे, Y पे पहुँच जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? 6। I2O जाने के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पे ऐसे सिंपली नीचे आइए, 7 की साइड लीजिए, ऐसे मुड़ जाइए, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 7, ठीक है। देन क्वेश्चन है अपने पास E2L जाने के लिए, ये रहा नीचे हमारे पास एंड L पे जाना है। L पे जाने के लिए क्या करेंगे बालक? यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे आए, 8 को हमने टच किया है और नीचे हम L पे पहुँच गए, तो आंसर क्या हो जाएगा? 8, ठीक है। सीक्वेंस में आंसर चल रहा है 6, 7, 8, वाह। देन नेक्स्ट देखिए S2D। S से D जाने के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ से मैं सीधा ऊपर आऊँगा, 10 को टच करूँगा एंड ऊपर 10 डी पे चला जाऊँगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 10, ठीक है। 9 और 10 आपको खुद से बताने हैं, 9 और 10 आपको खुद से बताने हैं, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आंसर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जो सेट है वो डिस्कस करते हैं, सेट नंबर 2। सेट नंबर 2 में S2X जाना है हमें, सबसे पहला क्वेश्चन है S से X, तो ये रहा हमारे पास X एंड हमें S से जाना है X पे। S से X जाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? देखो यहाँ से गए, यहाँ पे मुड़ गया क्योंकि ऊपर बैरियर मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो 6 पे चला गया, 6 को टच किया मैंने, 7 का कॉर्नर लिया है, 7 आंसर नहीं हो सकता, आंसर होगा 6, ठीक है। X से S जाना है, वही पूछ लिया इसने, तो वही 6। K2E जाने के लिए दोस्तों क्या करेंगे? कहाँ गया हमारे पास K इस तरफ है एंड E ऊपर है, सिंपली सीधा जाऊंगा मैं, 3 को टच करूंगा, E पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 3। पी से जे जाने के लिए क्या करेंगे? पी से जे जाने के लिए देखो, यहाँ बैरियर है, यहाँ तो मैं कहीं जा ही नहीं सकता, यहाँ से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, 9 को मुझे टच करना ही पड़ेगा, ठीक है, देख रहे हो दोस्तों, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? सिंपली 9, ऊपर तक मुझे कहीं देखने की ज़रूरत ही नहीं है। X2A को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये रहा हमारे पास X और A ऊपर है, तो यहाँ से हर जगह बैरियर है, तो मुझे सीधा ही जाना पड़ेगा, यहाँ से मुड़ के आऊँगा एंड 1 को टच करूँगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसलिए? 1, ठीक है। पेन चेंज करता हूँ मैं। नेक्स्ट है हमारे पास
X2A हो गया, J2X जाने के लिए देखो वहाँ जाना है मुझे सीधा सामने, एंड 4 का तो कॉर्नर ले रहा हूँ मैं, और यहाँ से 5 को टच किया, 6 का कॉर्नर लिया, X पे पहुँच गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 5। तो इस चीज़ का ही आपको ध्यान रखना है कि कृपया करके कॉर्नर वाले घर को कंसीडर मत कर लेना। यहाँ पे 4 और 6 थे जो कॉर्नर में आ रहे थे, ठीक है। 5 हमारा ऐसा घर है जिसकी साइड हम टच कर रहे हैं, आंसर हो जाएगा 5। Q2X जाने के लिए हम क्या करेंगे, Q से X जाने के लिए तो मुझे लग रहा है शायद 6 आ जाएगा रास्ते में। Q2X जाने के लिए सिंपली हम सीधा जाएंगे, 6 की साइड टच करेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 6, ठीक है। अब इसमें आपको 3 आंसर बताने, 18, 19, 20, खुद से बता दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर, और आप कमेंट कीजिए, हम बताते हैं कि सही हुए या गलत, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल से, पहले एंड सेकंड सेट के थर्ड और फोर्थ सेट है जो आपके खुद से आपको करना है, जैसा कि पिछली वीडियोज़ के अंदर हम करते आ रहे हैं। कमेंट लेकिन किसी के भी नहीं आए, प्लीज़ कमेंट कीजिए। ये हमारे पास तीसरा सेक्शन है एंड इसके आंसर आपको मिल जाएंगे नीचे, इसको पोज कीजिए, इसके आंसर लिखिए, देन फोर्थ इसको पोज कीजिए, इसके आंसर लिखिए, एंड लास्ट में आंसर मैच की करके कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कितने आपके सही हुए, 20 में से कितने, 20 आए, 20 में से कितने आपके आंसर आते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कीजिए, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी गेटअप। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।